वहां से पेन रेट्रीब्यूशन, दर्द की वो जो ताकत थी वो और दर्द सह नहीं पाएंगे, वो दर्द जो है लेके जाएंगे गेम नंबर 3 पे देखेंगे उनको। बट ओआरबी यहां पर खड़ी हुई, किंग खड़े हैं पूरे अपने जो स्क्वाड को है बचाते हुए लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओआरबी का चांस लगता है यहां पे, बट यहाँ पे ओआरबी एक चीज अच्छी कर रही है कि जो भी किल कर रही है उसको कंफर्म कर रही है। कुछ टीमें होती है कि नॉक करके छोड़ देते हैं, बट ओआरबी ने अभी एक नॉक करा था, पूरा फिनिश करा था उसको क्रेटोस को। और यहाँ पे पैराडॉक्स ने नॉकआउट किया, मगर यहाँ थोड़े से एंगल बनाने की कोशिश एनटीटी गेमिंग के देजा वू वहां पर खड़े हुए बचे हुए, मगर टेम्पेस्ट अभी भी पीछे से गोलियां चलाते हैं और मावी को यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बाहर करते हुए, पर कैरी वहां पर टेम्पेस्ट को फिर से गोलियां चलाते हुए एक एक करके धीरे धीरे करके स्क्वाड बाहर होते हुए, सोल के फिर से 3 प्लेयर यहाँ खड़े हुए, बट फिर से गोलियां चलते हुए लर्न फ्रॉम पास पैराडॉक्स M416 आगे गोलियां चला रहे हैं। बट ये जो गोलियां की जो गुरार है, मतलब ये अभी इस हिसाब से अगर हम इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें, ओआरबी हैज अ बेटर स्लाइट चांस बिकॉज सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर वो लोग हैं, प्लस सर्कल के अंदर अब नहीं थे पहले, अब उनको जोन के अंदर जाना है। बट यहाँ पे सोल की टीम है जो तीन टीमों को आराम से नॉक करके किल कलेक्ट कर सकती है, 20 अलाइव है अभी, एंड उनके सामने से ये 3 टीमें 10, 6 और 11 दिनी मैप अगर आप देखोगे तो। एंड मॉर्टल यहाँ पे अपनी अपने लिए कवर बना रहा है, एक यूएस उसने पूरी बर्स्ट करके कवर बनाया, उसमें सामने से पूरा स्क्वाड आएगा, पूरा पूरी पूरी मतलब पैराडाइज है ये किल की अब आखिरी में देखो तो। और बिल्कुल यहाँ पे जैसे जैसे करके आगे बढ़ रहे हैं घातक यहाँ पे गोली चलाते हुए, कैरी वहीं पे खड़े हैं मगर M416 के साथ यहाँ पर आगे नॉकआउट करेंगे घातक M16A4 से आगे करते हुए थी और 4X के साथ, मगर स्वैग वहीं पे दिलजीत भाई को नॉकआउट करते हुए और स्वैग यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत में नॉकआउट होंगे और पैराडॉक्स आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, मगर पैराडॉक्स को पीछे से ही खत्म कर दिया खात्मा। यहाँ LFP क्लैन निकलता हुआ, मगर सोल की टीम 11 किल कर चुकी है, 11 इंपॉर्टेंट किल, 11 पॉइंट एग्जैक्टली। और यहाँ पे वो लोग वेट करेंगे ओआरबी के आने का, थर्ड पार्टी हो रहे हैं वहाँ पे, सोल रौनक ने वहाँ पे एक ओआरबी नियो को नॉक डाउन करा था, एंड टाइगर का भी स्क्वाड है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड ओआरबी यहाँ पे स्ट्रेट जोन में आ रहे हैं, जो कि एक दिक्कत पैदा कर सकते हैं क्योंकि दो अलग अलग एंगल से आपको पड़ जाए, तो राइट से जाओ या तो लेफ्ट से। सोल रौनक ने यहाँ पे ओआरबी नियो को फिनिश करा, एंड घातक भी यहाँ पे मॉडल के स्प्रे में आ सकते थे बट कवर चले गए, दैट वाज वेरी क्लोज, बट यहाँ पर गोली चल रही है। मावी ने यहाँ पे ओआरबी के घातक को नॉकआउट किया और साथ ही साथ फ्रेम्स ने यहाँ पे ओआरबी के ड्रीम को नॉकआउट, खाली एक केवल मात्र प्लेयर खड़े रह गए और किंग भी थे वो राजा भी एंड में अपना तख्तो ताज गिराएंगे और 5वें नंबर की पोजीशन से एग्जिट लेती हुई यहाँ पे, मगर टाइगर अभी भी जीवित है, सोल जीवित है, ये दो इंपॉर्टेंट प्लान फिर से यहाँ पे पहुंचे हुए और ये दोबारा से अगर इन दोनों में से कुछ चिकन डिनर लेता बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, मगर यहाँ पे ओएस एनटीटी गेमिंग के देजा वू को नॉकआउट करते हुए, मगर एनटीटी गेमिंग के एक्सटेंस भी वहां पर नॉकआउट होते हुए, और देखते-देखते मेरे को लग रहा है एनटीटी गेमिंग के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है यहाँ पे। मेरे ख्याल से पूरा स्क्वाड फिनिश भी हो जाएगा, एक ग्रेनेड आया यहाँ पे और एक मॉलोटोव आया था, सो ओवेस यहाँ पे वो पूरे किल्स लेके गया, टाइगर मावी ने चलो वो वाले किल मावी को मिला, बट रौनक ने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 किल निकाले, और देखते हैं यहाँ पे वेट करेंगे बस सोल की एंड टाइगर्स की फाइट देखने, जो कि हमने लास्ट वाले मैच में भी देखी थी कि लाइक इनकी रेवलरी ये पूरे टूर्नामेंट मेरे को लग रहा है चलने वाली है। एंड आईएनडी ट्रांस यहाँ पे अकेला बचा, यहाँ पे सोल के ओवे पीछे से चार्ज करके गए और वहां पे ट्रांस को कर दिया, एग्जिट डोर दिखा दी, और अब दो सबसे बड़े मैं कहूंगा शतरंज के मोहरे यहाँ पर लड़ने वाले हैं, जो पिछली बारी एक बारी फर्स्ट आया है और यहाँ जो अब सेकंड, तो इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में वही सेम 1 और 2 वही सेम लास्ट वाला रिपीट हो रहा है। क्या वहाँ पे सोल को मॉर्टल को रिवाइव किया जा सकता है, वहाँ पे फर्स्ट एड लगा रहे मॉर्टल यहाँ पे अपने फर्स्ट एड लगाते हुए और फर्स्ट एड लगाई है और काफी ज्यादा स्मोक का जो मैं कहूँगा घेरा बना दिया है, घेरा बनाने के साथ ही साथ रौनक वहाँ पर खड़े हुए देखते हुए विजन दे रहे हैं, मगर सिंगल टैप देते हुए थोड़ी कवरिंग फायर मॉर्टल के ताकि पीछे आ जाए उनके सहयोगी टीममेट, मगर मेरे को लग रहा है फिर से यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर फायदा होता हुआ टाइगर को, 4v3 थोड़ी सी क्लच सिचुएशन हो सकती है और अब देखना है कि क्या कर सकते हैं मॉर्टल। यहाँ पे गाड़ी लेकर निकलते हुए दूसरी तरफ से आना चाहते हैं, कवर बना रहे हैं वहाँ पे, एंड सही टाइम में मॉर्टल प्रोन हुआ वरना टाइगर प्रिंस उसके लिए निकाल के जाता और रौनक यहाँ पे गोलियां चलाते हुए अकेला बंदा बचा है, सिर्फ सोल ओवेज बचा हुआ है, एंड उसने कैरी को शायद नॉक डाउन करा, ऑलमोस्ट बच गया था, बट टाइगर फिर से एक चिकन डिनर निकाल के गई है, एंड दे आर द फेवरेट्स टू विन दिस टूर्नामेंट, एंड द काइंड ऑफ एग्रेशन दे आर शोइंग इन दिस टूर्नामेंट इज लाइक इमेंस, बिल्कुल काम एंड कंपोज मैच के टाइम में, एंड बाद में अपने एग्रेशन दिखा रहे हैं, द काइंड ऑफ प्ले दीज 4 गाइज